गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस. नाउ टूडे वी स्टार्ट अवर न्यू पोयम, न्यू चैप्टर, दैट इज इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. मीन्स दिस पोयम इज रिटन बाय पोएट सरोजनी नायडू. क्लियर? हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम? सरोजनी नायडू. एंड इट टेल्स अबाउट द बाजार्स ऑफ, मीन्स वॉट वॉट हैपन्स, वॉट वॉट एक्टिविटीज डन इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. क्लियर? So everyone open your book and start reading with me. This is also very good poem. So start. What do you sell? O ye merchants, richly your wares are displayed. Okay, so wares means richly wares, articles offered for sale. Okay, means poet tell that what do you sell? O ye merchant, tum kya sell kar rahe ho merchant? Richly your wares are displayed. तुम्हारे जो wares हैं वो displayed कर दिए गए हैं. For offering means wares means articles which is offered for sale. Turbans of crimson and silver. Turbans, everyone know that pagdi. In Hindi we can call it pagdi. Red color pagdi and silver. Turbans of crimson and silver. Okay, crimson and silver means a strong red color inclining to purple. Okay. Tunics of purple brocade. Tunics. Tunics means a loose garment, sleeveless and reachless means skirt ko bolte hain. Okay? Of purple brocade, minus with panels of amber. Panels means a flat, usually rectangular part, piece of wood. Okay? Rectangular shape mein aur piece of wood hota hai. Clear? Of amber. Amber means what? Yellow, brown. कलर्ड हार्ड सब्सटेंस फॉर मेकिंग ज्वेलरी के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एम्बर. डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेडिंग. क्लियर? नाउ व्हाट पोएट वांट टू से दैट व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड. टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेडिंग. मीन्स पोएट ने जब पूछा कि व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट, तुम क्या सेल करोगे, देन ही गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दे इज आर्टिकल्स. ओके, तो उसने खुद के जो आर्टिकल्स थे, खुद का जो मटेरियल्स था जिसकी वो सेल लगाने वाला था, ही गिव ऑल डिस्क्रिप्शन दैट आई सेल टर्बन क्रिम्सन कलर, सारा कलर बता दिया उसने. आई सेल ट्यूनिक्स रिचली एंड वेयर्स आर डिस्प्लेड, ऑफ सेल के लिए लगाए जाएंगे. क्लियर? एंड पैनल्स ऑफ एम्बर, मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर लगाए जाएंगे. मीन्स ही गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज मटेरियल. नेक्स्ट, व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, तुम किसका वेट ले रहे हो वेंडर. ओके, वे वेट. ओके, टू व्हाट डू यू वे, क्या तोल रहे हो. ओके, सैफ्रन एंड लेंटिल एंड राइस. देन व्हाट वेंडर गिव आंसर, कि मैं सैफ्रन, केसर एंड लेंटिल एंड राइस आए, मीन्स मैं तोल रहा हूँ. क्लियर? व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मैडेंस, सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस. क्या ग्राइंड कर रहे हो मैडेंस तुम. मैडेन, मैडेन मीन्स वॉट, अनमेरिड गर्ल को बोलते हैं, यंग वुमेन को. क्लियर? सो तो वो क्या बोल रही है, दैट सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस, मसाले, सैंडलवुड मेहंदी, सैंडलवुड चंदन एंड हीना आई ग्राइंड. व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, पेडलर्स मीन्स अ पर्सन हु गो प्लेस टू प्लेस, मतलब जो स्मॉल गुड्स बेचने एक एक जगह से दूसरी जगह जाता है. क्लियर? चेसमैन एंड आइवरी डाइस. क्लियर? सो मीन्स पोएट आस्क अबाउट ऑल वर्क, मीन्स बाजार ऑफ हैदराबाद में क्या क्या हो रहा है वो पोएट जो है वो सबसे पूछ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोएट आस्क फ्रॉम मर्चेंट, आफ्टर दैट पोएट आस्क फ्रॉम वेंडर्स, आफ्टर दैट पोएट आस्क फ्रॉम मैडेंस. मैडेंस मीन्स यंग वुमेन, यंग गर्ल. ओके, अनमैरिड गर्ल एंड यंग वुमेन. एंड आफ्टर दैट ही आस्क फ्रॉम पेडलर. क्लियर? दीज टू पैरा. नाउ नाउ व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ, तुम क्या बना रहे हो गोल्ड स्मिथ. ओके, अ पर्सन हू मेक गोल्ड आइटम्स, गोल्ड आर्टिकल्स. क्लियर? देन गोल्ड स्मिथ गिव आंसर, रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग. रिस्लेट्स, एंकलेट्स मीन्स पायर एंड रिंग आई मेक. क्लियर? बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पीजन्स, और बेल्स भी बना रहे हैं जो ब्लू पीजन्स हैं उनके फीट्स के लिए. फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाईज विंग, और फ्रेल मीन्स डेलीगेट एज अ ड्रैगन फ्लाई विंग्स. ग्रीडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर, ग्रीडल्स मीन्स दैट समथिंग दैट इन सर्कल्स, मीन्स
जो पैरों में पहने जाते हैं, जो डांसर्स होते हैं, लाइक घुंघरू लाइक, ओके, एंड स्कैप बार्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग एंड प्रोटेक्टिव केस फॉर द किंग, किंग के लिए एक प्रोटेक्टिव केस। सो गोल्ड स्मिथ के आंसर क्या क्या बना रहा है गोल्ड स्मिथ? रेस्टलेस एंड एंकलेट एंड रिंग, बेल्स फॉर द फीट ऑफ फॉर ब्लू पीजेंस, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, एंड ग्रीडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, एंड स्कैप बार्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन? नाउ पोएट आस्क फ्रॉम फ्रूट मैन, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन? सिट्रन, सिट्रन मीन्स अ सिट्रस फ्रूट रिजेंबलिंग अ लेमन बट लार्जर विद लिटिल पल्प एंड अ वेरी थिक, मीन्स लेमन की तरह होता है बट लिटिल पल्प एंड वेरी थिक राइंड। पोमेग्रेनेट एंड प्लम, व्हाट डू यू प्ले ओ यू ओ म्यूजिशियन? तुम क्या बजा रहे हो? देन ही टेल, सितार सारंगी एंड ड्रम, व्हाट डू यू चेंट ओ मैजिशियन? चेंट मीन्स तुम क्या बोल रहे हो मैजिशियन? स्पेल्स फॉर एयोन्स टू कम, एन इनडेफिनेट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एयोन्स मीन्स एन इनडेफिनेट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स? तुम क्या बुन रही हो? विथ टैशल्स एंड ऑफ एज्योर एंड रेड, मीन्स डेंगलिंग ऑर्नामेंट्स, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ब्राइड ग्रूम, मीन्स ही टेल दैट आई मेक क्राउन्स फॉर द ब्राइड ग्रूम, एंड चैपलेट्स टू गार्लैंड्स हिज बेड, एंड आई मेक चैपलेट्स गार्लैंड्स फॉर अ वंस हैंड हेड, ओके, सिर पे बांधने के लिए गार्लैंड बना रही हूँ। शीट्स ऑफ वाइट ब्लूजम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। सो दीज ऑल फोर पैराग्राफ, फाइव पैराग्राफ्स, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट पोएट वॉन्ट टू से इन दिस दिस पोएम। क्लियर? मीन्स पोएट आस्क फ्रॉम एवरी पर्सन, ओके, दैट वॉट वॉट दे डिड। क्लियर? Word, word, and all give answers in their languages. Clear? So this will happen in bazaars of Hyderabad. This is very easy. Now listen carefully. In this chapter, no need to write hard words because all hard words are word meaning. So everyone, open your notebook and start writing word file with me. After that, we do question answers. So many word files are there. So first is richly. Richly is in an elaborate way, in an elaborate generous way, in an elaborate generous way. Second is wares, that is articles offered for sale, articles offered for sale. Third is crimson, a strong red color inclining to purple. Next is tunic. Tunic is a loose garment sleeveless and reaching to the knees, sleeveless and reaching to the knees. Next is panel. Panel is what? A flat usually rectangular part or piece of wood, metal, cloth, etc. That fits into something larger. Next is ember. Amber is a yellowish brown colored hard substance
hard substance used for making jewelry. Used for making jewelry. Vendor, seller. Eighth is maiden, an unmarried girl. Clear? So, richly and in an elaborate, generous way, wears articles offered for sale. Crimson, a strong red color inclining to purple. Tunic, a loose garment, sleeveless and reaching to the knees. Panel, a flat, usually rectangular part or piece of wood, metal, cloth, etc. fits into something larger. Amber, a yellowish brown colored hard substance used for making jewelry. And vendor is sailor, and next maiden is unmarried girl. Next. Now, ninth is now maiden after peddler. Peddler, a person who goes from place to place selling small goods. Next is goldsmith, a person who makes gold articles. Next is frail, it's delicate. 12th is griddle. Griddle is something that encircles the body. Scab bird, a protective. A protective case or sheath for the blade of a sword or dagger. Next is citron, to say many times in a rhythmic way, usually loudly. Next is citron is a citrus fruit resembling
resembling a lemon but larger with little pulp, larger with little pulp and a very thick kind. Fifth is chant, to say many times in a rhythmic way. Sixteenth, aeons, an indefinite and a very long period of time. Tassels is a dangling ornament. Made by laying parallel a bunch of cords of threads of even length and fastening at one end. Clear? Now, next, more word files, two word files remain. It is azure. Bright blue in color, like a cloudless sky. Next, 19th is chaplet, a garland for a person's head. So here your word files are completed. In next class we discuss question answers. Okay, so everyone note down all word files. Thank you.